नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जालौर के सुराना में टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले में पुलिस प्रशासन और अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए। पायलट ने बच्चे के परिजन और रिश्तेदारों पर लाठीचार्ज करने और फोन छीनने का आरोप लगाते हुए एडीएम और डिप्टी एसपी के हटाने की मांग की। उन्होंने कहा, जहां तक इस घटना की बात है, यह कहना नाकामी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में दलित आदिवासी एसआई के साथ ऐसा होता है तो जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा। हम यह नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहां पर भी हो रहा है। पायलट ने कहा, हम वेट करते हैं कि अगला कब हादसा हो और हम एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे जो दलित वंचितों के साथ अत्याचार करती है। राजस्थान में दो साल बाद 26 अगस्त को छात्र संघ चुनावों के लिए वोटिंग हो गई, जबकि 27 अगस्त को काउंटिंग के साथ निर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ दिलवाई जाएगी। आज चुनाव से 10 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में अगर किसी छात्र नेता ने चुनावी खर्च निर्धारित सीमा से ज्यादा किया तो उसे बैन करने के साथ उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। डीएसडब्ल्यू की टीम की ओर से लिख लिंगदोह कमेटी के सिफारिशों की पालना के लिए विशेष टीम का गठन किया। जावल के बरलूट थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। उस दौरान मामूली झगड़े को लेकर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गणपत सिंह ने किसान मोर्चा प्रदेश सदस्य मांगू सिंह बावली के विरुद्ध बरलूट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच अधिकारी शंकरलाल परियार के अनुसार 13 अगस्त को जवाल से तिरंगा यात्रा निकाली, जिनमें रस्ते में दो जनों के बीच हुए झगड़े को लेकर गणपत सिंह मांगू ने विरुद्ध मारपीट करने व सोने की चेन चुराने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं मांगू सिंह ने बताया कि मेरे विरुद्ध गलत आरोप लगाकर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, जबकि मैंने कोई चेन आदि चोरी नहीं की, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। बारा के हरनावदा सावजी क्षेत्र के दैलनपुर गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 19 अगस्त को झूला महोत्सव व धार्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संगीत में महाशिव पुराण अमृत कथा 12 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित हो रही है। कथावाचक बाबूनाथ योगी द्वारा संगीत में महाशिव पुराण अमृत कथा का रसपान करवाया जा रहा है। समिति के सदस्य जगदीश लोधा, घनश्याम लघवंशी व मनोज लोधा ने बताया कि आयोजन सामरिया सेठ कदम के पेड़ परिसर से श्री कृष्ण सेवा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। मकराना शहर में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी की अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें विशेष आमंत्रित जिला खेलकूद प्रकोष्ठ जिला संयोजक प्रकाश भाकत, घुमतू जाति प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ईश्वर जी बंजारा, विधानसभा प्रभारी प्रेम प्रकाश मोरावतिया के सानिध्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बरोबर रोड पर मंडल महामंत्री के निजी प्रतिष्ठान पर किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में प्रेम प्रकाश मोरावतिया, प्रकाश भाकर, सुभाष रेगर, राजू बाबू, ईश्वर बंजारा ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जोधपुर के डांगियाबास थाना पुलिस ने एमडीएम ड्रग्स की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 18 ग्राम ड्रग्स के साथ एक अवैध देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए। आरोपी एमडीएम ड्रग्स जोधपुर में खपाने के लिए लाए थे। थानाधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियार सप्लाई करने के लिए आने वाले हैं। सूचना मिलते ही थाने के 9 पुलिसकर्मियों की टीम तैयार की और बिसलपुर नाके पर चेकिंग की। इस दौरान छेलाराम जाट निवासी पालसानी, जगदीश जाट निवासी पालसानी को रोका, दोनों की तलाशी ली और उनके पास से 18 ग्राम एमडीएम ड्रग्स, एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। कुशीनगर में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी के जिला कार्यालय निर्बल कॉलोनी सुभाष चौक पडरोना में सुरेश चंद्र भारती जी और जिला सचिव के द्वारा ध्वजारोहण करने के पश्चात संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा पर पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए।
इस पावन मेला पर समस्त भारतीयों को बधाई दी व ढेरों मंगल कामनाएं की और साथ में ये संकल्प किया कि जाति भेद मिटाकर समता बंधुता और न्याय पर आधारित समतालुता समाज का निर्माण कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान्यवर कांचीराम साहब के सपनों को साकार करें। रायबरेली में देश को आजाद करवाने के लिए अमर शहीदों के बलिदान को हम तब्दी सच्चा सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जब तक हम धर्म व जाति पर न लड़कर एकजुट होकर देश का नव निर्माण करें। यह बात कमला फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम सिंह ने कही। रायबरेली में कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर पूनम सिंह का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों पर मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे देश की आजादी को आज 75 साल पूरे हो गए। देश को आजाद करने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान किया बहुत कष्ट से उन्हें आज याद करने का दिन है। मलिक मऊ के शहीद गेट पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के बाद पूनम सिंह ने अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी। अशोकनगर जिले में मंगलवार की शाम एक सड़क हादसा सामने आया जिसमें अपने दोस्तों के साथ 12 साल का मासूम शाम के समय साइकिल से लौटकर अपने घर जा रहा था। तभी चंदेरी बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको रौंद लिया। जैसे उस घटना की जानकारी क्षेत्र के दौरे पर आए प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव व चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय को लगी तो वो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कैसे मासूम की जान बचाई जिसको देखकर चौतरफा थाना प्रभारी उपेश। दरअसल मुंगावली साइड से आ रहे ट्रक की तेज लापरवाही व पूर्व वाहन चलाकर एक 12 साल के मासूम गौरव पुत्र राजकुमार यादव को चंदेरी के बाईपास रोड ढाबे के पास से टक्कर मार दी। मंगलवार को क्षेत्र के दौरे पर आए राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव चंदेरी रेस्ट हाउस परिसर में थे और उनके साथ चंदेरी थाना प्रभारी उपेश उपाध्याय भी थे। जैसे ही दोनों को घटनाक्रम की सूचना लगी तो तत्काल वो घटनास्थल पर पहुंचे। जोधपुर में सलमान के हिरण शिकार वहां पर बनकर तैयार हुआ कि हिरण मंदिर, जहां आपने कभी सुना है कि एक हिरण का मंदिर बन रहा है। यह मंदिर जोधपुर में सलमान खान ने हिरण का शिकार किया था उसी जगह बना है। वन्य जीव प्रेमी हिरण का मंदिर बना रहे हैं। यह मंदिर लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही यह हिरण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मूर्ति यहां पहुंच चुकी है। कांकाणी से इस हिरण के मंदिर में हिरण की मूर्ति रखने के लिए तैयार हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे मंदिर को बनवाया है और उसका रुपया भी अपने स्तर पर जुटाया है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और फिर यह स्मारक बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस स्मारक को देखें और अपने कर्तव्य से विचलित ना हो। इसी के चलते वह हिरण की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहता है। 800 किलो वजनी यह हिरण सीमेंट व लोहे के सरिये से बना है। मूर्ति पर सिंह ओरिजिनल हिरण के हैं। जंगल में मृत हिरण के अवशेष से सिंह लाकर हिरण के स्टेचू लगाया। कंकाणी में 7 बीघा क्षेत्र में स्मारक बनेगा जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान।